Hello everyone, welcome to my channel Physics Spark. Today in optics we will discuss about the laser, and today's topic will be Einstein coefficients. So first of all we will start with the introduction. Basically we have studied that the interaction of electromagnetic radiation, जब हमारे पास electromagnetic radiations interact करती हैं matter के साथ, तो हमारे पास तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड जो होता है हमारे पास दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, और थर्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन. डिटेल के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना. तो अब इन तीनों प्रोसेस से हमारे पास क्या होता है, इन तीनों प्रोसेसेस से हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में बताएंगे कि आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था. बेसिकली उसने कोफिशिएंट्स बताए थे कि कैसे जो है वो इंट्रैक्शन होती है रेडिएशंस की मैटर के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. लेट n1 is the number of atoms per unit volume in the lower level. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ये E1 है आपके पास, ये लोअर स्टेट है. E2 के आपके पास ये अपर स्टेट है. तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो इनिशियली आपके पास कहाँ पर होगा, ग्राउंड स्टेट में. इस स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा आपके पास. और n1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास लोअर लेवल n1 में. N2 है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अपर लेवल, इसमें जितने नंबर है. अब बात करते हैं कि एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट. अब E1 में क्या है, जितने आपके पास एनर्जी स्टेट है कैन एब्सॉर्ब रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड टू द एनर्जी लेवल E2, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. क्लियर? डिटेल के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्ब हुए हैं. सपोज करो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम बात करें कि सिर्फ एक इस पर्टिकुलर एरिया में एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो वो यहाँ से यहाँ तक गए, क्योंकि एक एटम नहीं होता है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. तो उसका जो प्रोसीजर उसको हम देते हैं दैट इज n1b12u ओमेगा. अब यहाँ पे जो u ओमेगा है दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा, कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है पर यूनिट एरिया, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी. एंड B12 इज रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फ्रॉम लोअर लेवल 1 टू अपर लेवल 2, कि मतलब कितने प्रोबेबिलिटी हुई है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 एटम है, तो 10 में से प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 गए, 4 गए. दिस दैट गिव्स बाय B12. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि जो एटम्स है, द एटम कैन डी एक्साइट फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेवल थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन एज वेल एज स्टिमुलेटेड एमिशन, कि अपर लेवल में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, वो वापस आएगा अपने पास ग्राउंड स्टेट में. तो उसके लिए दो प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन. इन स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा कि वो अपने आप आएगा, उसको हमें एक्सटर्नल कुछ भी देने की, स्टिमुलेट देने की जरूरत नहीं है. इन स्पॉन्टेनियस एमिशन द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ द एटम मेकिंग अ डाउनवर्ड ट्रांजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी डेंसिटी. क्यों? क्योंकि जब वो डाउनवर्ड में आएगा तो उसको अपने हमें एक्सटर्नल कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए जो ट्रांजिशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी डेंसिटी. तो जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है दैट विल बी A21 N2. A21 रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम. अब अगर हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की, तो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेट है दैट इज B12 N2 U ओमेगा. यहाँ पे जो है ये U ओमेगा के जो स्टिमुलेटेड एमिशन है दैट डिपेंड्स ऑन द U ओमेगा. क्यों? क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन में होता क्या है कि जो एटम आपके पास अपर स्टेट में है, जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नली हमें एक फोटोन उसको देना होता है. क्लियर? तो इसके लिए वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास, U ओमेगा पे. हियर द क्वांटिटीज, तीन क्वांटिटीज हमने यूज की है, B21, B12, B21. अब इसका मतलब है 21 का मतलब है कि जो ट्रांजिशन है वो सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में हुई है. 12 का मतलब है ट्रांजिशन फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में हुई है, यहाँ पे फिर से ट्रांजिशन सेकंड से 1 में हुई है. दीज आर कॉल्ड दी आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स. और ये कौन से हैं, पहला जो है ये आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन का, ये आपके पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का, और ये है स्टिमुलेटेड एमिशन का. अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे पास कि जो अपर ट्रांजिशन रेट है, कि जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट. दैट मीन्स कि जो अपवर्ड का था ट्रांजिशन दैट इज B12 N1 U ओमेगा that must be equal to A21 N2 plus B21 N2 U omega. That means अब इसमें ये क्या चीज है, ये है आपके पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कि जब आपने एटम ने क्या किया, एब्जॉर्ब हुआ और लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चला गया। और ये जो दोनों प्रोसेस है ये है आपके पास दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें क्या है। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी। और ये है आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यू ओमेगा वाली जो टर्म्स है उन दोनों को एक तरफ रखेंगे। तो ये आ जाएगा B12N1 माइनस B21N2 ब्रैकेट में u ओमेगा इज इक्वल टू A21N2। तो यहाँ से u ओमेगा की जो वैल्यू है दैट विल कम्स आउट टू बी A21N2 डिवाइडेड बाय B12 N1 माइनस B21N2। ये वाली जो टर्म है इसको हम डाउनवर्ड ले आए। तो अब यहाँ से U ओमेगा विल बिकम्स A21 डिवाइडेड बाय N1 बाय N2। मतलब हमने क्या किया, इस टर्म्स को N2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा B12 माइनस B21। अब हमने इसलिए ऐसा किया ताकि हम इसको एक कंपेयर कर सकें। नाउ फ्रॉम बोल्ट्जमैन लॉ N1 by N2 is given by exponential E2 minus E1 divided by KBT and that is equal to exponential, इसकी वैल्यू क्या होती है, h कट ओमेगा ओवर KBT। तो जो इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सो योर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास दैट इज u ओमेगा विल बी इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाय B12 N1 बाय N2 की जगह हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल h कट ओमेगा बाय KBT माइनस B21। तब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो U ओमेगा विल बी A21 डिवाइडेड बाय B21 1 ओवर B12 B21 एक्सपोनेंशियल h कट ओमेगा KBT माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो B21 था इसको हमने कॉमन ले लिया, या हम ये कह सकते हैं इस B21 को हमने यहाँ पे से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज योर equation number 2. Now, according to Planck's law, हम यहाँ पे u omega को define करेंगे Planck's law के according. Your u omega will be equal to h cut omega cube divided by pi square c cube into 1 over एक्सपोनेंशियल h कट ओमेगा KBT माइनस 1। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली जो टर्म है दैट रिजेंबल्स टू दिस टर्म और B12 बाई B21 अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या आ गया B12 इज इक्वल टू B21, और इसको हमने एक सिंपल कांस्टेंट का नाम दे दिया B, और दूसरा जो टर्म हमारे पास आई है दैट इज A21 ओवर B21 दैट इज इक्वल टू H कट ओमेगा क्यूब ओवर पाई स्क्वायर C क्यूब, और यू कैन से दैट इज A बाय B इज इक्वल टू H कट ओमेगा क्यूब ओवर पाई स्क्वायर C क्यूब। क्लियर? तो हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स आ गए हैं। कोफिशिएंट से निकाले थे आइंस्टाइन कोफिशिएंट, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या आया कि B12 इज इक्वल टू B21, और ये क्या चीज है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। दैट मींस कि जिस रेट से वो एब्जॉर्ब होगा उसी रेट से वो एमिट होगा, और ये जो रिलेशन है दैट इज द रिलेशन बिटवीन, दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एमिशंस, दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन spontaneous emission and stimulated emission, spontaneous emission and stimulated emission। एग्जाम में वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, एक्सप्लेन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। दूसरा वो पूछ सकते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन द स्पॉन्टेनियस